हेलो एवरीवन, फेस्टिव डे स्टार्ट हो गए हैं और दिवाली तो कुछ ही दिनों में आने वाली है और दिवाली के बाद क्रिसमस और क्रिसमस के बाद न्यू ईयर ईव। और फेस्टिव डेज में क्या होता है, ओवर इंडल्जेंस इन स्वीट्स, इन शुगर प्रोडक्ट्स एंड फ्राइड स्नैक्स एंड फेवरेट फूड्स एंड डेलिकेसीज, राइट। और व्हाट हैपन, हम ऐसे ही कर करके जब ओवर इंडल्जेंस होती है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते रहते हैं ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना, है ना। अब दिवाली से स्टार्ट होगा तो न्यू ईयर तक ऐसे ही चलता जाएगा। फेस्टिव डेज मीन्स आपका रहता ही है, कभी डिनर, कभी किसी के ऑफिस पार्टी, कभी फ्रेंड्स पार्टी। तो व्हाट हैपन जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं तो खाली ये नहीं कि हमारा वेट ही गेन होता है, वेट गेन होने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है जब हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज लेती है। तो उसमें जो लाइक ट्रांस फैट्स है वो ज्यादा पैदा होती हैं और उससे डिजीजेस के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो व्हाट हैपन लाइक क्या होता है कि हम सारा दिन थके थके, कोल्ड एंड कफ्स भी ज्यादा रहती है जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है। और इसके अलावा हमारा बहुत लो स्टेमिना रहता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और लाइक यू कैन से बॉडी एक्स बहुत होती है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लो इम्यूनिटी, आपकी जब डाइट ठीक नहीं रहती। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने कुछ खाना नहीं है, अभी दिवाली आ रही है, मैम तो हमें लेक्चर दे रहे हैं कि दिवाली पे कुछ खाना नहीं है, इंजॉय योर फूड। बस हमने उसका ढंग चेंज करना है, हमने उसे लाइक वाइज ईटिंग करनी है, मीन्स ठीक तरीके से खाना है। मैं नहीं ये बोलती हूँ कि आप अपनी इम्पोर्टेंट या आपका फेवरेट फूड ना खाओ, इंजॉय योर फूड, बट उसको इस तरह से खाओ कि उसको बैलेंस करो, मेंटेन करो। तो उसके लिए मैं जनरल आपको टिप्स बता रही हूँ एंड दीज आर द वेरी इजी टिप्स। आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है अपने माइंड में, कीप इन माइंड कि आपसे लाइक अपना टाइम पे सब कुछ करते जाओ, सो डेट कि आपका जो भी ओवर ईटिंग है या ओवर इंडल्जेंस किसी भी लाइक फैटी फूड में या शुगरी फूड में हुई है तो वो मैनेज हो जाए, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब ना करें। तो सबसे जो पहला टिप है वो मैं ये बोलूंगी कि डोंट स्किप एनी मील। जनरली क्या होता है कि फास्ट जब हम लाइक चाहते हैं कि हमें आज शॉपिंग पे जाना है या आज हमने किसी के घर जाना है या इधर जाना है, स्वीट एक्सचेंज के लिए जाना है, तो व्हाट हैपन हम जनरली कहीं पर ब्रेकफास्ट ही भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, तैयारी में कि चलो नेक्स्ट ये कर लो वो कर लो। तो ब्रेकफास्ट कभी नहीं स्किप करना है क्योंकि ब्रेकफास्ट इज द मेजर मील ऑफ द डे, तो वो हमें सारा दिन एनर्जी देता है। अगर ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो लंच एंड डिनर तक तो हमारा एनर्जी लेवल भी लो होगा और हमारी जो अटैक होगा वो हाई फैटी फूड में या जंक फूड की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा और नेक्स्ट मील में ज्यादा भूख लगेगी। तो ब्रेकफास्ट जो है आपका हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एंड फैट्स की अमाउंट भी होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट की कुछ ऑप्शन है आजकल, जैसे यहाँ पे वेदर चेंज हुआ, बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आ गई हैं, मेथी, पालक, मूली, गोभी, तो ये सब ऐड करो अपनी रोटी में। यू कैन हैव मिस्सी रोटी, स्टर्ब्ड रोटी, वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल पोहा एंड ओट्स भी ले सकते हो वेजिटेबल फॉर्म में एंड लाइक यू कैन ऐड ऑल्सो मिल्क विद फ्रूट्स। और बहुत ही जल्दी में आप लोगों ने जाना है कहीं तो यू कैन हैव फ्रूट एंड मिल्क विद ड्राई फ्रूट, दिस इज द ईजिएस्ट ब्रेकफास्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है जनरली हम भूल जाते हैं ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डेट इज वॉटर। तो पानी हमें अपनी डाइट में पूरे दिन में प्रॉपर लेना चाहिए। जब हम शॉपिंग में भी जा रहे हैं तो क्या है कि वहां पे हम शॉपिंग में भी पानी सबसे वन निग्लेक्ट होता है क्योंकि कैरी नहीं करते, तो ऑलवेज कैरी वन बॉटल। और अगर हम किसी के घर में लाइक स्वीट एक्सचेंज में या डिनर में या कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले वहां पे भी अपना एक हैबिट बनाओ कि अगर इफ यू आर टेकिंग वन कप ऑफ टी या कॉफी या कुछ भी ले रहे हो तो जस्ट टेक वन ग्लास ऑफ वाटर बिफोर एनी ड्रिंक। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी में एसिडिटी ज्यादा नहीं पैदा होगी और लाइक अगर आप टी ले रहे हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे टिप देना चाहूंगी, आपको थोड़ा सा तो बुरा लगेगा कि फ्राइड फूड आपने कम लेना है। फ्राइड फूड थोड़ा सा मीन्स कि हमें पता है कि हमने घर पे नहीं खाना, क्योंकि पता है लाइक किसी के घर जाएंगे जब कोई जिस दिन फंक्शन है उस दिन तो खाया ही जाएगा, कोई मैरिज फंक्शन में, लाइक क्रिसमस पार्टी में, दिवाली पार्टी में, तो उस दिन आपने घर में ये फ्राइड और नमकीन का बिल्कुल भी आपने कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं करना। तो उसकी जगह आप अपने स्नैक्स, जैसे हेल्दी स्नैक्स है, फ्रूट्स कट्स हो गए, हंकर्ड हो गया, और हंकर्ड में हम खूब सारे फ्रूट डाल के उसको आइसक्रीम की तरह ले सकते हैं। एंड इसके अलावा सीड्स अपनी डाइट में ज्यादा करो,
और ड्राई फ्रूट ऐड करो, सो डेट कि आपकी इन तरफ दूसरी चीजों की तरफ ध्यान ना जाए जो लाइक बहुत ज्यादा मीठी वाली है। एंड लाइक उसके बाद हमारा आता है कि एक्सरसाइज, राइट। एक्सरसाइज क्या होता है कि इन दिनों में जब हम बिजी हो जाते हैं दिवाली की शॉपिंग में या किसी भी फेस्टिव में कोई मैरिज फंक्शन आने वाला होता है तो हम अपना एक्सरसाइज भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि हमारे पास मिनिमम 30 मिनट या मिनिमम 40 मिनट 20 मिनट भी मिले तो हमने एक्सरसाइज जरूर करनी है, इसको हमारा पार्ट रखना ही रखना है। क्योंकि अगर हम ओवर ईटिंग कर भी जाते हैं तो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉडी को मेंटेन करती है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि एक्सरसाइज बिल्कुल ना भूलें, चाहे आप लाइक किस भी तरह से आपके पास कम टाइम भी है तब भी आप एक्सरसाइज आधा पौना घंटा डेली करें। और जिनके पास टाइम है वो तो जिम भी जा सकते हैं, जिम में एक्सरसाइज कर लें। अगर जो लोग नहीं जिम जाते घर में डांस कर सकते हैं, लाइक रनिंग कर सकते हैं, गार्डन में वॉक कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर 10 to 15 या मिनिमम, ये दिस इज द मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम यू कैन डू 45 मिनट, सफिशियंट फॉर बॉडी फॉर होल डे टू मेंटेन योर बॉडी। एंड आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्लीप, राइट। बिजी डेज में क्या होता है कि स्लीप तो बस ऐसे ही है, कभी लेट नाइट डिनर हम 11 बजे आ रहे हैं 12 बजे आ रहे हैं, और जो यंग जनरेशन उनका तो मैं देखती हूँ शेड्यूल लेके माई गॉड वो 3-3, 4-4 बजे सोते हैं। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि स्लीप आपकी बहुत राइट टाइम में कोशिश करो कि आप सो, अगर लेट भी सो रहे हो तो इट शुड बी 7 to 8 hours, इतनी मिनिमम होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है, आपकी बॉडी रिफ्रेश होती है, उसका सारा सर्कुलेशन तभी रिफ्रेश होगा अगर वो प्रॉपर स्लीप होगी। और आप एनर्जेटिक भी तभी फील करोगे अगर वो प्रॉपर लाइक आपका स्लीप पैटर्न और स्लीप ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये टिप दूंगी कि हाँ लाइक ओवर ईटिंग तो होती है, फिर भी आप दिन में 1 कप लेमन वाटर जरूर लें, ल्यूक वार्म वाटर, उसमें लिटिल बिट आप लाइक लेमन पीस कर लो और थोड़ा सा काली मिर्च ले लो, ब्लैक पेपर और लाइक भुना हुआ जीरा, ये बस ऐड करके दिन में 1 ग्लास लेना। इससे क्या होता है कि आपकी इलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स हो जाती है और आपको वाइटमिन सी भी मिल जाता है, भाग दौड़ में आपको लाइक आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरा रहता है और लाइक आपका डाइजेशन में भी हेल्प करता है और मोर ओवर ये आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। तो इसलिए ल्यूक वार्म फेस्टिव डेज में ल्यूक वार्म वाटर जरूर ले लें, लेमन वाटर। और इसके अलावा हमारा जो मसाज है, मसाज भी आपको यू कैन से कि 1 से 2 जरूर ले लेनी चाहिए, इन दिनों में फटीक बहुत रहती है तो वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक ड्रेनेज को भी इम्प्रूव करती है। तो इसलिए मसाज जरूर 1 से 2 जरूर ले लें, किसी भी ऑयल की, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी आपको अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि हम क्लाइंट्स मुझे यही बोलते हैं कि मैम हम किसी के घर जाएं तो वो बोलते हैं कि हम वहां पे हम नो कैसे बोलें, है ना, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि कहीं जाके तो हमसे वो लाइक मैनेज नहीं हो पाता। तो वहां पे आपने किसी को नो नहीं बोलने की जरूरत, आप यहाँ पे सिंपली ऐसा करना है कि जो भी उनमें ऑप्शंस देखो, जैसे सपोज किसी ने आपको सर्व किया है लाइक उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें लाइक नमकीन है, उसमें आपके पकौड़े हैं, तो पकौड़े एक तरफ में रोस्टेड पनीर टिक्का है, अगर पकौड़े और रोस्टेड पनीर टिक्का है तो ट्राई टू टेक पनीर टिक्का बिकॉज वो रोस्टेड है। मैं ये नहीं बोलूंगी उसमें कैलरीज कम है, कैलरीज उतनी है, बट वो एक हेल्दी वर्जन है, एक हेल्दी ऑप्शन है ना, कि उसमें फ्राइड नहीं है, उसमें ट्रांस फैट्स कम है, वो हमारी बॉडी को कम हार्म पहुंचाएंगे। और सेम इसी तरह से अगर आपके वहां पे नमकीन है और एकदम स्वीट्स हैं तो एक तरफ ड्राई फ्रूट है तो फिर आपने ड्राई फ्रूट चूज करने हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट में नेचुरल फैट्स हैं ना, वो हमारी बॉडी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ड्राई फ्रूट में जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको एलमंड एंड वॉलनट चूज करना चाहिए, और जो नॉर्मल डाइट पे हैं दे कैन हैव एनी ड्राई फ्रूट, पीनट्स भी ले सकते हैं, कैश्यू नट भी ले सकते हैं और अपने रेजिन्स भी ले सकते हैं, वो किसी तरह का भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। और अगर आपको कोई सर्व कर रहा है राइट जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, फिर आप बोलोगे आप क्या लें, तो ऑब्वियसली आपको पता ही कि उसकी जगह जूस लेना है और कोल्ड ड्रिंक की। अगर जूस की जगह वहां पे कोई फ्रूट भी आपको सर्व कर रहा है तो टेक फ्रूट विद वॉटर, राइट। तो इस तरह से आपने स्वैप कर लेना, आई मीन जो हेल्दी ऑप्शन है उसको थोड़ा सा यूज करना है, सो डेट कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, आपका वेट मेंटेन रहे, कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो ठीक रहे। और अगर आप ज्यादा खा भी लेते हो तो घर में आके यहाँ पे लाइक ये वाले फेस्टिव डेज में डिनर हमेशा लाइव लें। डिनर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि डिनर इन दिनों में
ट्राई करो, सूप्स ले लो, सैलड्स ले लो, स्टीर फ्राइड वेजिटेबल्स ले लो, सौते वेजिटेबल्स ले लो, और इन लेने से क्या होगा कि आप यू विल फील लाइट, क्योंकि डिनर लाइट लोगे तो आपका लाइट रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी पार्टीज भी की हैं, बहुत सारी स्वीट्स भी खाई है, आपकी स्लीप भी बेटर रहेगी। तो दीज आर द वेरी इजी टिप। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।